आ ले चक मैं आ गया। नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल गेस्ट स्पॉट प्रेडिक्शन में आप लोग का सबका स्वागत है। आप लोग को बताना चाहिए। अरे आपके तोते के सामने हमारी क्या हो रहा था? देख लो भाई, ये अपना जीसी बाबा है और ये हमारे है परी, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन बाय परी। बड़े भाई बहुत बड़ा चैनल है इनका, इनका चैनल जरूर जाके देखो। नाम खराब करो, वही क्या करे, जब भी क्या करे, इन्हीं से हमें एक प्रेरणा मिली कि ये चालू किया जाए। और अभी फिलहाल ऐसा हो रखा है कि इनके तो जा रहे व्यूज लाखों करोड़ों में और हमारे व्यूज हजारों में नहीं पहुंचे। उल्टा प्रेडिक्शन जो चल रहा है, कहां है क्या करे, बैठे थे हम उधर, हम राजस्थान। आज कौन जीत गया बता दो? आज देखते हैं दिल्ली जीतेगी लग रहा है। डुबाओ तुम क्या करे, यही जिंदगी है, हमेशा टक्कर वही आती है और वही दोनों की गालियां सुनने को मिलती है। भाई गड़बड़ लग रही है, देख लेना। मैं तो सोचो प्रेडिक्शन, जब जब इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है वो हमेशा पानी में गया है। भाई मैं तो सोचो प्रेडिक्शन करना ही बंद कर, ना प्रेडिक्शन हो ना, मैं तो बोल रहा हूँ क्षमा, मैं तो आपके वीडियो शेयर कर दूंगा सीधे लोगों को कि वो जाके देख ले, मेरा प्रेडिक्शन ही बंद कर देगा। तो आपको क्या लगा? ये आज प्रेडिक्शन लिखा है एसी वर्सेस मुंबई की, मुंबई का जो आज स्टेटस है वो ये एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो लेट्स सी क्या प्रेडिक्शन देते हैं और किस तरीके से इनका प्रेडिक्शन चलता है। तो लेट्स कंटिन्यू बाय हिम फर्स्ट। तो मेरे को जो आज लगता है कि एक कहीं ना कहीं बॉम्बे का जो एक टूटी टंगड़ी है हमारे हार्दिक पांड्या की, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जितने पिच स्लो डाउन हो रहे हैं वहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हालात की वजह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे। और बॉम्बे की बैटिंग लाइनअप नो डाउटफुल, बट दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप इज अमेजिंग। रबाड़ा एंड हमारे आर अश्विन बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप करेंगे और मेरे को लगता है कि उससे आज उम्मीद लगाई जा सकती। दिल्ली की बैटिंग लाइनअप जैसे मैंने बार बार कहा है, मेरे को ऋषभ पंत बहुत सही प्लेयर अच्छा है, वो कभी भी आके मैच को घुमाने में काम आया। शेखर धवन ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, शेखर धवन का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो दो तीन मैच आराम से निकाल लेता है, तो इसकी वजह से मैं शेखर धवन पर जाऊँगा। मुंबई के अंदर रोहित धवन नहीं खेलेगा, ये है हमारे भाई परी, तो ये इनका बोल है धवन नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं धवन से उम्मीद लगाई जा सकती है। बॉम्बे में हमारे शर्मा जी का बेटा फुटबॉल करेगा, ये बेचारा 30-40 पे मार रहा है। और किशन भी मेरे को लगता है कि अच्छा खेल पाएंगे। बॉम्बे की बॉलिंग के लिए मेरे को लगता है कि कुछ कमाल हो जाए। अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनके हिसाब से इनके पसंदीदा प्लेयर कौन से है। अगर यहाँ पे मुंबई सेकंड प्ले करती है तो मुझे लगता है कि ये मैच मुंबई की बात, क्योंकि दिल्ली को डिफेंड करने में आ गया। अगर यहाँ पे दिल्ली सेकेंड इनिंग करती है तो वो मैच खेल जाएगी। उनके शुरू के एक दो बैट्समैन जो हैं वो शायद ना चले, जैसे कि मैंने बोला कि धवन आज फॉर्म में हैं लेकिन चल नहीं पाएंगे। उनको पैर करने का तरीका ऑलरेडी मुंबई ने ढूंढ लिया होगा। और बाकी मुझे लगता है पृथ्वी शॉ बिटवीन 20-30 रन बना के अपनी स्टार्टिंग में 5-6 ओवर के बीच में चली गई, 30-45 के अंदर रन। दिल्ली में बॉलर आपका कौन सा सबसे पसंदीदा बॉलर बताओ, रबाड़ा और अश्विन के बीच? अश्विन आई थिंक आज 2 विकेट को लेके जाएगा, तीसरा विकेट मेरे को लगता है कि शायद तुक्के में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन 2 विकेट तो अश्विन लेके जाएगा। रबाड़ा आज बैक टू बैक बॉलिंग करेगा,
जो परफॉर्मेंस उनकी लास्ट मैच में थी वैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखने वाली है, कुछ कमाल करेगा वो। एक तरीके से आप देख लो कि पहले मैच में क्या हुआ था, सारी शॉर्ट हिट बॉल मार, यहाँ पे वो यॉर्कर लेंथ मार सकता है। अगर यहाँ पे यॉर्कर लेंथ वो मारेगा तो यहाँ पे मैच जीतने का चांसेस लेके रहता है, वो भी उसका एक फाइट। एक आखिरी सवाल, हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग? मीडियम 165 से लेके 170 नहीं रहेगा, आपको क्या लगता है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 165-160 से ऊपर के जो पिच हम मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और हर दिन पिच ऐसा बिहेव कर रहा है कि जो परे है, समझने के परे है, कभी साला वन एकदम पूरा ऊपर, कभी एकदम नीचे, तो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, और उसी का नाम है आई पी एल। तो भाई लोगों, ये हमारा वीडियो था, अगर आप लोग को अच्छा लगे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इनका चैनल जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये 90% सक्सेस वाले हैं। अभी हमारा रेशियो 33% पे चल रहा है, भी थोड़ा कमी है, लेकिन आगे जाके दोस्तों आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। जिस तरीके से लाइन और लेंथ बॉलर की डगमगा रही है, वहीं पर हमारी भी लाइन और लेंथ कम होती जा रही है, लेकिन आगे जाके जो लेंथ इक्वल होगी और लाइन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले मैच।